एक तरफ डॉग शो तो दूसरी तरफ पुष्प प्रदर्शनी भी शुरू हो चुकी है। शहर में चार दिनों तक तरह तरह के फूलों की बहार रहेगी। टाटा स्टील और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित 30वें फ्लावर शो का उद्घाटन टाटा स्टील के MD TV नरेंद्र ने किया। इस मौके पर टाटा स्टील के कई अधिकारी भी मौजूद थे। गोपाल मैदान में आयोजित इस चार दिवसीय फ्लावर शो में हर प्रकार और हर किस्म के फूलों को सजाया गया है। टाटा स्टील के MD TV नरेंद्र ने कहा कि जमशेदपुर के लोगों के जीवन में फूलों की खुशबू लाने के लिए हम सदैव प्रयासरत हैं। हमारे आज के अतिथि मंच पे आ जाएंगे। ग्राउंड पे जितने भी आए हुए धन्यवाद। The main attraction of today's function is the Lifetime Achievement Award, and it's an honor for me to present before you a veteran Rotarian and pioneer in soilless culture in gardening, utilizing industrial waste materials. तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी को, क्योंकि हर साल वो ये ऑर्गेनाइज करते हैं। हर साल हम पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं कि इट इज़ बिकमिंग बिगर एंड बिगर, और पार्टिसिपेशन भी बहुत सारे टाटा स्टील ग्रुप कंपनीज़ का है, सिटीजन्स का है, इंडिविजुअल डिस्प्लेस भी है, जो दूसरा और कंपनीज जो है जो टाटा ग्रुप्स के अलावा और कंपनीज है उन लोग का भी पार्टिसिपेशन है। तो एक कॉन्शियसनेस आ रहा है शहर में कि बायोडाइवर्सिटी पर, सस्टेनेबिलिटी पर, फ्लावर्स पर। कोल्हान विश्वविद्यालय शाखा कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया तथा कुलपति को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। पार्ट 2 के अधिकांश छात्रों को बहुत ही कम अंक से अनुत्तीर्ण कर दिया गया है। परिषद की मांग है कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो, इसलिए फेल छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। उनका नेतृत्व विवेक कुमार कर रहे थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर महानगर के तरफ से 22 दिसंबर को विश्वविद्यालय के लिए सांकेतिक धरना है कि विश्वविद्यालय छात्रों को 70% से अधिक छात्रों को फेल कर रही है, जिसमें CBSE सिस्टम के लागू होने से ओल्ड कोर्स का नियमित रूप से क्लास नहीं हो पा रहा, इसमें विद्यार्थी फेल हो रहे हैं और ज़्यादा सब्जेक्ट में विद्यार्थी 1-2 नंबर से फेल हुए हैं। तो विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जो बच्चे 1-2 नंबर से फेल हुए हैं उन लोगों का स्पेशल एग्जाम लिया जाए, या फिर 1-2 सब्जेक्ट में जिसमें ज़्यादा फेल हुए उन सबका एग्जाम स्पेशल एग्जाम लिया जाए। 2019 के चुनावों में मद्देनजर झारखंड पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? महागठबंधन में शामिल होना है अथवा तीसरे विकल्प का गठन करना है? इस मुद्दे पर सूर्य सिंह बेसरा से संक्षिप्त वार्ता हुई। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि 2019 के चुनावों में JPP तीसरा विकल्प तैयार कर रही है, जिसमें JPP, वामसेफ तथा कई पूर्व विधायक और सांसद जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को विधिवत तौर पर इस गठबंधन की घोषणा कर दी जाएगी। कि झारखंड पीपुल्स पार्टी के पहल से समान विचारधारा वालों को लेकर के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और तीसरा विकल्प बनाएंगे, तो हम लोग झारखंड पीपुल्स पार्टी के ओर से अपने पहल से हम लोगों ने तीसरा मोर्चा गठन कर लिया है और ये कार्यक्रम चल रहा है। तीसरा मोर्चा का मतलब है जनमत। तो जनमत का जो है ना अंतिम घोषणा, फाइनल घोषणा 2019 के लिए जो घोषणा की जाएगी वो झारखंड पीपुल्स पार्टी का जो स्थापना दिवस के अवसर पर रांची में शहीद मैदान रांची विधानसभा के बगल में
30 दिसंबर को आयोजित की। और ब्रेक के बाद अगली खबर है, जुबली पार्क में शनिवार को प्रेमी युगलों पर पुलिस का कहर टूटा। उन्हें न केवल खदेड़ा गया बल्कि पकड़कर चेतावनी देकर छोड़ा गया। गौरतलब है कि फेस्टिवल का मौसम है और लोग परिवार के साथ पार्क में सैर करने आते हैं। ऐसे में पार्क में प्रेमी युगलों द्वारा अश्लील हरकतों की शिकायत जिला पुलिस को मिलती रही है। पिकनिक के मौसम में पार्क में न्यूसेंस क्रिएट करने वाले ऐसे प्रेमी युगलों को पुलिस जवानों द्वारा खदेड़ा गया। पुलिस को देख प्रेमी युगलों में भगदड़ सी मच गई, कुछ को पकड़कर चेतावनी भी दिया गया। उधर देखो, उधर देखो, उधर क्या जरूरी है कोचा में बैठने का? डेफोडिल्स स्कूल के नृत्य कला केंद्र द्वारा माइकला जॉन प्रेक्षा गृह में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। दूसरी ओर बाल विकास विद्या मंदिर के एनुअल डे फंक्शन में भी बच्चों ने संगीत और नृत्य में भाग लिया।